ये दोगले हैं, ये मुखालफत कर रहा और घरवाली जो है उसके चरणों में पड़ी है, तो कैसे मानोगे बताओ? दोनों दोनों हाथों में लड्डू रखते हो कि देश की जनता का भी हम भला बनना चाहते हैं और सरकार का भी भला बनना चाहते हैं, तो जनता समझती है कि इन दोगले लोगों को समझती है। और आज कई हजार लाशें गंगा में बह रही हैं और गंगा के किनारे दफनाई जा रही हैं, और अगर एक गाय या कोई हाथी मर जाता तो आज सारी दुनिया में तहलका मच जाता, इंसानों पे नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश के जो आज भी कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, मतलब अपनी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, कुत्ते नोच रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इनके फुप्पा पिछले 2 साल पहले तो उसके फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, हैं, आज इसराइल के साथ खड़े हो गए, हैं। तो पहले तो ये बताएं कि ये हैं कौन। देखिए, ना मैं इसराइल के साथ हूँ, ना मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, ना मैं अमेरिका के साथ हूँ, ना मैं चीन के साथ हूँ, ना मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, ना मैं बांग्लादेश के साथ हूँ। क्यों? मैं तो अपने हिंदुस्तान में हूँ। अच्छा, अपने हिंदुस्तान के साथ रहूँगा। यहाँ तो देखिए, मेरे से अपना घर तो संभल नहीं रहा, तो अमेरिका जाके संभाल पाऊँगा? अच्छा, ऐसा करोगे? तो जो ये लोग बोलते हैं कि आज हम इसराइल के साथ खड़े, मैं कहता हूँ जिनको जो इसराइल के साथ खड़े वो इसराइल के साथ जाएं, जो फिलिस्तीन के साथ खड़े वो फिलिस्तीन के साथ जाएं। यहाँ खड़े होकर हिंदुस्तान में बकचोदी करने से क्या फ़ायदा? जाओ और जा कर के लड़ो, जो जिसके साथ है वहाँ जा कर मरो। अरे जब डॉक्टर को तुमने ऑक्सीजन नहीं दी, डॉक्टर के यहाँ तुमने बेड नहीं बना के दिए, डॉक्टरों को तुमने दवाइयाँ नहीं दी, तो डॉक्टर क्या हाथ लगा के ठीक कर देगा मरीज को? वो कौन देगा? तो महामारी है, तुम्हें पहले से पता है। सारी जितनी भी विदेशी एजेंसियां हैं या इंडिया के वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे थे कि भारत में दूसरी लहर आने वाली है, और ये देश का प्रधानमंत्री इतना नालायक प्रधानमंत्री है कि हमारे देश की ऑक्सीजन भी दूसरे देशों को बेच दी, हमारे देश की जो वैक्सीन लगनी थी वो भी बेच दी। देश में सूत ना बुनाई, ये कहावत है कि सूत ना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा, वैक्सीन है नहीं और वैक्सीन का उत्सव मनवा रहा देश में। वो तो योगी साहब मनवा रहे हैं। रे, देश के प्रधानमंत्री ने मनवाया पूरे देश के अंदर टीका उत्सव, टीका उत्सव। हाँ, तो जब तुम पे वैक्सीन ही नहीं है तो उत्सव कहाँ का? और महामारी में अगर किसी को दवाई दोगे तो उसका उत्सव मनाओगे? देखिए, इस देश का इसीलिए तो नाश होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से राजा टके से खाजा, ये हाल चल रहा है इस देश का। आप देखिए, वैसे कह रहे हैं कि हम कोरोना के फ्री इंजेक्शन लगाएंगे, हैं, राज्य सरकार अपने आप खरीद ले, और उस महामारी में भी ये नालायक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कमा रहे हैं कि उस पे भी 5% GST ले रहे हैं टीके पे भी। अभी किसी नालायक हीरो की पिक्चर आ जाए उसे टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन देश में जो दवाइयां है वैक्सीन, उस पे GST उगाना है। हरेंद्र जी, 6 महीने होने वाले हैं आपके किसान आंदोलन को, कुछ सफलता तो मिली नहीं अब तक किसानों को? मिलेगी, इतनी जल्दी क्या है? अभी जल्दी क्या है? जल्दी 6 महीने की तो कह के आए थे भाई, 6 महीने का तो कहा था जब स्टार्टिंग किया था, तभी कहा था कि हर किसान 6 महीने का राशन लेके आए, और 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, और राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि 26 को कोई ऐलान होगा, तो वो राशन, क्या होगा? राशन तो आपका कम हो गया ना? नहीं, राशन कहाँ कम है, अब तो नया गेहूँ आ गया, अब तो हमारा इतना गेहूँ आ गया बेनता। अच्छा, हाँ, अब तो चक्की भी हमारे लग गई है नया गेहूँ का, आटा खाएंगे ताजा। सरकार लेकिन कोई गौर नहीं दे रही है किसानों पर? सरकार दे रही है, ये आप लोगों को लग रहा है, सरकार के बहुत दर्द है और सरकार लगी हुई है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, आंदोलन चलेगा बरसों। सरकार वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है किसानों को? कोई बात नहीं, बुलाएगी, तो ये सरकार का काम है, सरकार से पूछो ये चीज कि किसान आंदोलन कर रहा है, आप वार्ता क्यों नहीं कर रहे? सरकार ने तो चुप्पी साध ली है। तो देखिए,
जब राजा डरता है महल के अंदर घुस जाता है, तो अब वो घुसे हुए हैं। आप देख रहे होंगे एक जो विदेशी पत्र का आउटलुक है उन पे भी आ गया है मिसिंग है, तो सरकार गायब है। अब सरकार ढूंढनी पड़ेगी, आएगी सरकार। आप तो आ गई दिल्ली में दो तारीख ना है ना आई। अरे यहाँ तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खू गए दोनों। कल तो प्रधानमंत्री कह रहे मैं तकलीफ है, मैं महसूस कर रहा हूँ देश की तकलीफ। किसे? कल प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दिया। अच्छा तकलीफ है उन्हें? तो कौन सी टेबलेट खाई है उन्होंने ये पूछ के बताओ। कह रहे देश की तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, जो लोग परेशान है। तो बिल्कुल आप ये बताइए कि जब से ये कोरोना महामारी आई है, है? देश का गृह मंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, बताइए कौन से हॉस्पिटल में जनता से मिलने गए? रणनीति तो बना रहे हैं वो। क्या रणनीति बना रहे? ऑक्सीजन देश में नहीं, दवाइयां देश में नहीं, जो एक वैक्सीन सी बनी थी वो विदेश को भेज दी है। अच्छा जी बेड आप पे नहीं तो काहे की तुम्हें महसूस हो रहा भाई? आप देख रहे हो, मैं तो कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि आज वाराणसी जा करके देखें, जहाँ कहते थे ना मैं आया नहीं मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है, मैं तो वही गंगा माँ। आज लाशों से पट्टी पड़ी है, क्या हो रहा है? 1240 किलोमीटर का दायरा है उधर का। वो तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई प्रधानमंत्री देखेंगे आगे की उस चीज को? अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा इसका मतलब कौन? प्रशासन। प्रशासन क्या कर लेगा? और तुम कहोगे कि डॉक्टर तुम्हें दवाई नहीं दे रहा। लेकिन हरेंद्र जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी वो कहते हैं कि डार्क चॉकलेट खाओ कोरोना दूर भाग जाएगा। और वो WHO ने जो पूछ लिया कि इसका सोर्स बता दो क्या है, कैसे भाग जाएगा? देश का उद्धार जब होगा, जब सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगी तब निकलेगा। तो आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए थोड़ा ही आए, आप तो कानून वापस के लिए आए। देखिए अब हम अब तो ये जो लड़ाई चल रही है ना ये आंदोलन, ये तो आजादी का दूसरा आंदोलन है। अब तो ये आजादी का दूसरा आंदोलन बन चुका है। यही तो गलत फहमी आप लोग हमें ना इसे जोड़ देते हर चीज क्यों? अरे यही काम तो अंग्रेज करते थे जो ये कर रहा। तो आप आंदोलन कर सकते? देखिए इस देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? किया नहीं है? 90 साल तक आंदोलन करके सरकार अंग्रेजों को भगाया, वो आंदोलन नहीं था क्या था? क्या था? तो मार भी तो खाते हैं, किसी ने और यहाँ मर भी गए। कौन कह रहा? किसने हाथ लगाया? कौन कह रहा नहीं हाथ लगाया? जब पंजाब से चले थे पानी की बौछारे चली, लाठियां चली है, और अरे हाईवे तक खोद दिए, कीले गाड़ दी। देखा नहीं रोड पे कीले तक गाड़ दी कि राजधानी में नहीं जाओगे आप लोग। तो सरकार बिजली पानी सब दे रही है आपको? क्या कौन सा पानी दे रही है तुझे? तने पिया गया सरकार का पानी? क्यों नगर निगम पानी दे रही ना? का पानी नहीं दे रही। अरे उस पानी के तो नहाने पर धोने के नहीं आ रहा पानी, पीने का कौन सा भेज रही? अच्छा एक काम कर दे, कौन सा नगर निगम टैंकर में पानी भेज रहा है उसे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री सांसद विधायकों किसी को पिलवा दे। है कोई सा पीने जो उसे पी ले? लेकिन किसान तो कह रहे थे हम खुद का बोर करेंगे। कर लेंगे, अरे यार पैसा लगता है किसी चीज में तो आप जरा उसके लिए कोई देश में अलग से पानी आ रहा है कहाँ? वो भी यही देश का पानी पी रहे। कौन मंत्री इस देश के? ना उनके तो आरो पारो जने क्या क्या लग रहे होंगे, क्योंकि वो तो हराम की दौलत का लग रही ना उनके यहाँ पानी तो देश जनता का जो टैक्स का पैसा है वो उसमें कुछ भी लगवा लेते हैं। आपने देखा होगा जब जब सरकार बदलती है, जब जब सरकार बदलती है जो भी मंत्रियों के घर में या मुख्यमंत्री के घर में या प्रधानमंत्री के घर में पर्दे होंगे सोफे होंगे सब बदले जाएंगे हर 5 साल में। क्यों? कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है। देश के पैसे पे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री कलर देखते हैं, तो ये है इस देश का दुर्भाग्य। और क्या करें, कानून तो हम बदल नहीं सकते, कानून हम रद्द नहीं कर सकते। सरकार तो बदल सकते हो ना? है? सरकार तो बदल सकते हो, कोर्ट का तो अधिकार है। हाँ वो है, तो वो तो अभी 2024 में सेंटर में आएगा और 2022 में उत्तर प्रदेश में वो करेंगे। अगर सरकार देखिए ये अपने आप को राजा समझते हैं जबकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में राजा नहीं होता।
लेकिन ये राजा समझ रहे हैं अपने आप को, वही भूल करते हैं ये लोग।